आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, कथन यहाँ पे दिया है, वसा के पाचन के लिए स्पाइसीकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण दिया है कि वसा के स्पाइसीकरण के बाद एमाइलेज एंजाइम महत्वपूर्ण रूप से अधिक कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर पहला विकल्प दिया है, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा दिया है, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा दिया है यहाँ पर, यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चौथा दिया है, कथन व कारण दोनों असत्य है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं, कथन और कारण के बारे में, जिससे कि हम अपने प्रश्न का सही आंसर या उत्तर ढूंढ पाए, ठीक है। वसा के पाचन के लिए स्पाइसीकरण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमाशय में जो उपस्थित लाइपेज होता है, अमाशय में क्या होता है, लाइपेज होता है। लाइपेज जो है वो अमाशय में उपस्थित होता है, ठीक है। ये वैसे बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। ये लाइपेज जो है वो सिर्फ पाइस या फिर इमल्सीकृत जो वसा होती है, पाइस वसा पर ही क्रिया करता है, ठीक है, ही क्रिया करता है, क्रिया करता है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्रिया कैसे करता है ये हम देख लेते हैं एक बार। ये वसा है, ठीक है, वसा पर क्रिया करता है ये लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है, जिससे कि जो वसा है वो सरल हो जाती है, पचने में आसानी होती है। अब दूसरा देखते हैं, स्पाइसीकरण के बाद एमाइलेज एंजाइम महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है, ठीक है। ये कैसे कार्य करता है एक बार देखते हैं। एमाइलेज को हम एमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, एमाइलेज को हम क्या कह सकते हैं, एमाइलोप्सिन भी बोल सकते हैं, एमाइलोप्सिन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ये मुख में जो पाचन नहीं हो पाता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन का पाचन नहीं हो पाता है, ठीक है, उसका पाचन करके डाइसेकेराइड और माल्टोज में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, जैसे ये है स्टार्च, ठीक है, और ये है ग्लाइकोजन, ठीक है। अब ये क्रिया किस पे करता है, इस पे जो एंजाइम होगा एमाइलेज एंजाइम होगा, और ये किस में तोड़ता है, डाई सैकेराइड प्लस माल्टोज में तोड़ेगा, ठीक है, माल्टोज में तोड़ देता है। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि वसा के पाचन के लिए स्पाइसीकरण की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, और वसा के स्पाइसीकरण के बाद एमाइलेज एंजाइम महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला वाला, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।